हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे आपके बारे में और क्या बातें कर रहे थे। चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकंड एंड थर्ड कार्ड, ओके। आपका अगला कार्ड है यहाँ पे फोर ऑफ पैंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड ये रहा, ओके। तो लास्ट कार्ड यहाँ पे निकल चुका है, ओके। यहाँ पे कार्ड्स आज, तो इसके अनुसार से, कार्ड्स के अनुसार से मुझे नजर आ रहा है कि आज की शाम जो है आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है। ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन से बातें करते हुए दिख रहे हैं जो कि इनके साथ वर्किंग है या फिर जो कि इनका कलीग है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इमोशनल होकर के बातें कर रहे थे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन यही बातें कर रहे थे उनसे, और इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, क्या डिसीजन ले क्या ना ले, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हैं, और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको क्या फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए आपके लिए, आपकी अपनी सिचुएशन के लिए, या फिर अपनी जो एनर्जी है उसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेना इनके लिए सही रहेगा। ये पर्सन जो है ना ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना द मून की एनर्जी में है। देखो ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के द मून की एनर्जी में है, यानी कि अपने जो दर्द है जो तकलीफें हैं ये किसी से बता नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ये बातें कर रहे थे। और सीरियसली ये पर्सन जो है ना बातें कर रहे थे कि यार मैं तो डिसीजन लेना चाहता हूँ, या मैं जो है ना कोई एक्शन लेना चाहता हूँ अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि ज़रूरी है एक्शन लेना, डिसीजन लेना ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है ताकि रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी अगर हम एफर्ट्स ही नहीं डालें, तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये पर्सन ये भी दिख रहा है जैसे कि बातें कर रहे हैं जैसे कि रिलेशनशिप में धीरे 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 करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट नहीं देते हैं, हमेशा सिर्फ जब कमिटमेंट की बारी आती है तब जो है ना कोई को ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर बहुत सारे सिचुएशंस को जो है फेस कर रहे हैं और उन सारे सिचुएशंस को आपसे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन की एनर्जी यही दिख रही है, और ये भी बातें कर रहे हैं कि आपको जस्टिस देना चाहिए, आप जस्टिस के काबिल हो, आपके साथ गलत हो रहा है और गलत होती हुई चीज़ें इनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। बाय बाय।